भारत की एक प्रामाणिक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण जी को परिवार में परिकर में तीन लोगों को अभिमान हो गया। तो भगवान गोविंद ने सोचा इन तीनों का अभिमान कैसे भंग कराया जाए, और तब उन्हें उनके अभिमान भंग कराने के साधन के रूप में त्रेता के हनुमान जी की याद आई। हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा, कपित ध्वजी हैं। महाभारत में भी हनुमान जी के बिना महाभारत लड़ा नहीं जा सकता। भारत में पारत के सारथ भे इसलिए वे कुरुराज, और ध्वजा में हनुमंत लाल जी विराजते। जब हनुमान गर्जना करते थे तो क्या होता था, वचन दिया था हनुमान जी ने कि तुम्हारी गर्जना में मैं अपनी गर्जना मिला दिया करूंगा। इसलिए जब भीम गर्जना करते हैं तो इतना जाने कितने लोग उनकी गर्जना से मर जाते हैं। वो भीम का प्रताप नहीं था, हनुमान जी का प्रताप था। चारों युग प्रताप महाराज, जिस समय पर कर्ण ने एक बाण मारा अर्जुन के रथ पर, तो अर्जुन का रथ तीन कदम पीछे खिसक गया। उसी समय पर भगवान कृष्ण उठ करके खड़े, वाह वाह वाह, क्या योद्धा है, क्या बलवान है। अर्जुन ने कहा, ये क्या है? अरे मैं जब इसको बाण मारता हूं तो कितने कितने दूर पीछे चला जाता है, आपने कभी मेरी प्रशंसा नहीं की। और मैंने इसको बाण मारा, तीन कदम मेरा बाण रथ पीछे चला गया, आप मेरे दुश्मन की प्रशंसा करके मुझे हतोत्साहित कर रहे हो। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुझे मालूम नहीं तेरे रथ पर है कौन कौन। अगर ये तेरी ध्वजा पर हनुमान बब्बा नहीं होते ना, तो तेरा रथ तो पता नहीं कहां जाता। मैं बैठा हूं रोम रोम में वज्रबल, ऐसे हनुमान जी बैठे हुए, और ऐसे हनुमान जी जिसके रथ पर ध्वजा में बैठे हुए हो, और उसके भी रथ को यदि ये पीछे हटा दे रहा है तो वस्तुतः इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भारत में पारथ के सारथ भे तो दल सुनकर, तो हनुमंत लाल जी महाराज की जो आवाज होती थी दहला देती थी। ऐसे जब लोगों को अभिमान हुआ, तीन लोगों को अभिमान हुआ, एक सत्यभामा जी को, सुदर्शन चक्र को, और गरुण को। गरुण जी को इस बात का अभिमान था कि मुझसे तेज चलने वाला कोई नहीं है, और सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान था, उससे ज्यादा तेज तीक्ष्ण वध करने वाला कोई नहीं है। और उसी के साथ साथ में कौन सा तो इस प्रकार से उन्होंने ये देखा कि महाराज सुदर्शन चक्र को अपने तेजस्वता का बड़ा अभिमान था, और सत्यभामा को अपने सौंदर्यता का। जब भी सौंदर्यता की बात आए, रुक्मणी जी को अगर आगे किया जाए तो सत्यभामा जी कहती थी, हम कोई कम है क्या। अब हनुमान भगवान गोविंद ने सोचा कि इन तीनों का अभिमान कैसे मान मर्दित किया जाए, तो उन्हें हनुमान जी की याद आई, कहा हनुमान जी मेरी इसमें मदद करेंगे। और हनुमान जी महाराज को उन्हें पुकारा तो गरुण जी से कहा, एक काम करो गरुण, मेरी त्रेता के भक्त हनुमान से मिलने की बड़ी इच्छा कर रही है, तो वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते हैं, आप उनको बुला लाओ। गरुण जी महाराज गए। गरुण जी महाराज जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो रघुनाथ का भक्त हूं, और रघुनाथ के अतिरिक्त मैं किसी को जानता नहीं, इसलिए मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तो बस यही संध्या करता हूं, अपने इष्ट देव मेरा मारा था। लौट करके वो आए गोविंद के पास, का उन्होंने तो आपसे मिलने के लिए मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने, कहा मैं तो रघुनाथ का भक्त हूं, एक ही सिर था वो मैंने राम को झुका दिया, अब मैं दूसरा सिर कहां से लाऊंगा। तो गोविंद ने कहा, एक काम करो गरुण, उनसे जाकर के तुम ये कहो कि तुमको रघुनाथ ने बुलाया है। का पक्का? बोले हाँ। का जब तक आप उनको लेकर के आओगे तब तक मैं राम के रूप में यहां पर परिवर्तित होकर के बैठ जाऊंगा। गरुण जी महाराज गए, और इधर भगवान कृष्ण ने
सत्यभामा पूछा कि कौन रुक्मणी कौन सीता का रूप धारण करेगा। सीता जी तो बड़ी अद्भुत स्वरूपवान थी। भगवान गोविंद ने जो ही रुक्मणी को कहा तो सत्यभामा जी आगे आगे बोले, क्या मैं कम मैं ही बन जाऊं? तो कहा तुम ही बन जाओ। तो सत्यभामा जी सीता का स्वरूप धारण किया। इधर सुदर्शन चक्र को उन्होंने दरवाजे पर लगा दिया। सुदर्शन चक्र से कह दिया कि जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक किसी को अंदर घुसने मत देना। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण जी ने राम का रूप परिवर्तित किया। सत्यभामा जी सीता जी के रूप में सुशोभित होकर के उनके वामांग विराजमान हो गई। इधर गरुण जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज के पास पहुंचे और जब उन्होंने अपना आग्रह सुनाया कि आपको द्वारिका में रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार आपको पुकार रहे हैं अयोध्या में, कहा गरुण तुम सही बोल रहे ना? बोले हाँ। बोले अगर मेरे राम जी नहीं मिले तो फिर समझ लेना फिर तुम्हारी खैरियत नहीं। कहने नहीं वो तो राम जी है। तो कहा चलो अगर मेरे राम जी हैं इष्ट देव का दर्शन इतने दिन बाद मिलेगा तो मैं तो वैसे हृदय में तो हरदम दर्शन करता हूं पर उनका आदेश है तो मैं जरूर आऊंगा तो तुम चलो हम आते। कहने वो वहां द्वारिका आने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो चलो मैं सोचता हूँ आपको मदद कर दूं, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ और मैं आपको ले चलता हूं। गरुण हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा नहीं आप चलो हम आते। अब बार बार उन्होंने कहा तो हनुमान जी ने बिल्कुल तनगी कहा नहीं मानोगे क्या? तो गरुण जी ने कहा अच्छा ठीक है हम जाते। अब गरुण जी महाराज वहां से चल दिए। इधर महाराज गरुण जी द्वारिका पहुंच भी नहीं पाए उसके पहले ही हनुमान जी संध्या वंदन समापन करके और द्वारिका में आ गए। अभी वो गरुण जी रास्ते में है और जब आए और तब तक अभी ठाकुर जी ड्रेस धारण कर रहे थे और सुदर्शन चक्र ने उनको बीच में रोका तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर जाऊंगा मेरे राम जी हैं। कहा राम जी हैं पर बगैर उनकी अनुमति के मेरी अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते। कहा मुझे राम के दरबार में जाने से कौन रोक सकता है सुदर्शन चक्र जी क्योंकि राम द्वारे हम रखवारे। राम द्वारा हनुमान के लिए कभी भी अनुमति की आदेश की जरूरत पड़ी नहीं। ये क्या नया विधान हो गया यहाँ पर कि हनुमान के लिए भी आज्ञा लेकर के जाना पड़ेगा? पुत्र अपने माँ बाप के यहाँ पर कभी भी जा सकता है। और जानकी जी ने कहा है कि मैं उनका बेटा हूं अजर अमर गुण निश्चित हो कर ही बहुत रघुनायक छो तो तुम मुझे कैसे रोक सकते? अब हनुमान जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा आपको। हनुमान जी ने कहा तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने बगल में दबाया। सुदर्शन चक्र को आया गुस्सा सोचा इनकी भुजा ही उखाड़ करके मैं फेंक दू काट करके भन्न करके अंदर अंदर वो चलने लगे। और जब चले तो हनुमान जी महाराज का शरीर रोम रोम में वज्रवत। अगर लोहे में पत्थर का चक्र अगर रगड़ेगा तो किसकी हानि होगी? पत्थर ही घिसेगा ना। सुदर्शन चक्र के दांते कसने लगे घिसने लगे। घबराए सुदर्शन चक्र और टाए टाए फिस होकर के चुपचाप से बैठ गए। हनुमान जी महाराज ऐसे ही बगल में उन्हें दबाने का तो बड़ा अच्छा अच्छा सूर्य भगवान को दबा लिए थे सुदर्शन चक्र में लेकर के अंदर आ गए। और राम जी सामने बैठे हुए हैं सीता जी सामने बैठी हुई हैं लेकिन हनुमान जी महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं किया वो खड़े के खड़े रहे। अब राम जी कृष्ण जी में तो कोई भेद नहीं है तो राम जी ने पूछा कृष्ण जी ने राम के रूप में पूछा हनुमान तुम तो आते से ही चरणों में गिर पड़ते हो ये क्या बात है दंडवत प्रणाम नहीं करोगे इतने दिनों के बाद मिले? बोले प्रभु जी पहले आप ये बताओ ये जगह का दोष है या आप में दोष आ गया? बोले क्या बात है कहा कि ये यहाँ के जो ठाकुर हैं द्वारकाधीश जी वो अपने साथ न जाने कितनी पत्नी कितनी पटरानियों को बैठाते और ये आपने किस दासी को बैठा ली? वो बैठाए कितने को उनका चरित्र अलग है लेकिन आपने किस दासी को बैठा रखा है? और जो ही उन्होंने दासी कहा त्यों ही सत्यभामा जी समझ गई कि मैं तो पकड़ी गई। चुपचाप उठ करके अंतापुर में चली गई और वे समझ गई कि मैं रुक्मणी के बराबर मैं सीता के बराबर नहीं। उनका अभिमान चकनाचूर हो गया।
सुदर्शन चक्र का भी अभिमान चकनाचूर हो गया। हनुमंत लाल जी महाराज ने प्रणाम निवेदन किया और